मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या है बच्चों? मैक्सिमा एंड मिनिमा देखो, ये किसी फंक्शन का ग्राफ है, ठीक है, ये किसी फंक्शन का ग्राफ है। इसमें जैसे ये पोजीशन है, सपोज दिस इज एक्स वन पॉइंट, राइट, और एक ये पोजीशन है, दिस इज एक्स टू पॉइंट, एक ये पोजीशन है, दिस इज एक्स थ्री पॉइंट, ठीक है, दिस इज एक्स फोर, एक्स फाइव, एक्स सिक्स, ठीक है, काफी सारे अप एंड डाउन है इसमें। एक्स वन, एक्स वन पे नेबरहुड को अगर आप देखेंगे, एक्स वन के नेबरहुड को आप देखेंगे तो अपने नेबरहुड में एक्स वन पॉइंट पे, ये किसी फंक्शन का ग्राफ है, इसको मैं डिनोट कर देता हूँ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स से। अपने नेबरहुड में एक्स वन के नेबरहुड, एक्स वन के नेबरहुड का मतलब है कि इतना सा पोर्शन, वैसे इतना भी नहीं होता है, ये तो मैंने आपको दिखाने के लिए बहुत बड़ा लिया है, एक्स वन के आसपास इतने से रीजन में, बहुत स्मॉल, बहुत स्मॉल, इतने से रीजन की अगर हम बात करें, एक बच्चा कौन आया था अभी, किसी ने एंटर किया था क्या अभी? नहीं सर। क्या था, जान ने डबल किया था क्या? हाँ सर, मेरे से एक और हो गया, मेरा इंटरनेट काम नहीं कर रहा। अच्छा, एक्स वन के नेबरहुड को देखो आप, एक्स वन के नेबरहुड में इस ग्राफ को देखो, ये एक्स वन पॉइंट है, एक्स वन के नेबरहुड में इस ग्राफ को अगर आप देखोगे तो जो लोवेस्ट वैल्यू है वो एक्स वन पॉइंट पे है, राइट, लोवेस्ट वैल्यू है वो कहाँ पर है? एक्स वन पॉइंट पे, और इस वैल्यू को क्या कहेंगे हम? एफ एक्स वन, राइट, समझे आप? ये एक्स वन के नेबरहुड में, एक्स वन का नेबरहुड मैंने मार्क किया हुआ है, एक्स वन के नेबरहुड में ग्राफ की जो लोवेस्ट वैल्यू है वो एक्स वन पॉइंट पे है, करेक्ट, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं? नहीं सर। और एक्स टू के नेबरहुड को देखो, ये एक्स टू पॉइंट है, इसके नेबरहुड को देखोगे तो इस ग्राफ, एक्स टू के नेबरहुड में ग्राफ को देखो, जो लोवेस्ट वैल्यू है, जो लो, सॉरी लोवेस्ट नहीं, जो मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू वो कहां पर है? एक्स टू पे, एक्स टू के नेबरहुड में जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज एट एक्स टू, इसे हम कहेंगे एफ एक्स टू, एफ एक्स टू ये वैल्यू है, राइट, एक्स वन हमारी ये वैल्यू थी, ये क्लियर हुआ आपको? एक्स टू के नेबरहुड में जो मैक्सिमम वैल्यू है ग्राफ की वो ये वाली वैल्यू है, यानी कि एक्स टू के ऊपर मैक्सिमम वैल्यू है, एक्स वन के नेबरहुड में एक्स टू पॉइंट पे लोवेस्ट वैल्यू है, राइट, राइट बच्चों, इन वैल्यूज को, जैसे ये वैल्यू है या फिर ये वाली वैल्यू है या फिर ये वाली वैल्यू है, इन्हें कहा जाता है लोकल, लोकल मिनिमा, क्या कहा जाता है? लोकल मिनिमा और लोकल मिनिमम वैल्यू, गॉट इट सर? एफएक्स टू होगा लोकल मिनिमा? नहीं, एफएक्स टू नहीं होगा, ये जो मैंने सर्कल किए हैं यहाँ पर, जो सर्कल किए हैं एफएक्स वन, अच्छा, एफएक्स थ्री, एफएक्स फाइव और एफएक्स फाइव लोकल मिनिमम वैल्यू है इस फंक्शन की, या इनको लोकल मिनिमा कहेंगे या लोकल मिनिमम वैल्यू, राइट। तो इस ग्राफ में अगर हम देखें तीन लोकल मिनिमा है, एक दो एंड थ्री लोकल मिनिमा है, राइट, लोकल मिनिमा क्यों कहते हैं? अपने नेबरहुड में सबसे लोवेस्ट वैल्यू यहाँ पर ही है, अपने लोकल नेबरहुड में सबसे लोवेस्ट वैल्यू फंक्शन की यहाँ पर है, इसलिए इनको कहेंगे लोकल मिनिमम वैल्यू या लोकल मिनिमा। इसी टाइप से जैसे x2 के ऊपर है, अपने नेबरहुड में x2 पे जो वैल्यू है वो ग्राफ की सबसे मैक्सिमम वैल्यू है,
इसी टाइप से एक्स फोर पे जो वैल्यू है वो मैक्सिमम वैल्यू है। एक्स टू एक्स फोर के नेबरहुड को अगर आप देखोगे तो एक्स फोर पे जो वैल्यू है वो मैक्सिमम वैल्यू है। इसी टाइप से एक्स सिक्स पे जो वैल्यू है वो अपने नेबरहुड की मैक्सिमम वैल्यू है। इन्हें कहा जाएगा बच्चों लोकल मैक्सिमा। क्या कहा जाएगा? लोकल मैक्सिमा और लोकल मैक्सिमम वैल्यू। क्या कहा जाएगा? लोकल मैक्सिमा या फिर लोकल मैक्सिमम वैल्यू। करेक्ट। वजन कम हो गया लगता है, चेयर नीचे कर रहा हूँ, नीचे ही नहीं जा रहे है ना? यस सर। लोकल मैक्सिमा या फिर लोकल मिनिमम वैल्यू। ये क्लियर हुआ कि लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा क्या है? समझ आया आपको लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा क्या होते हैं? यस सर। एक होता है एब्सोल्यूट मैक्सिमा या एब्सोल्यूट मिनिमा। एब्सोल्यूट मैक्सिमा या फिर एब्सोल्यूट मिनिमा, देखो ये मान लो ए पॉइंट है और ये पॉइंट क्या है? बी है, राइट? दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी। ए और बी के बीच में अगर इस पूरे ग्राफ को आप देखोगे, इंटरवल ले लिया हमने ए टू बी का, क्लोज इंटरवल, क्योंकि एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा क्लोज इंटरवल के लिए डिफाइन होते हैं। वैसे हम एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा डिफाइन नहीं कर सकते। अब इस पूरे ग्राफ को आप देखो और मुझे ये बताओ अनिरुद्ध कि इस ग्राफ की जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो क्या है? इस ग्राफ की जो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू है वो क्या है? एक्स फोर नहीं बेटा, वो वैल्यू है एफ एक्स फोर। एक्स फोर पे वो वैल्यू लार्जेस्ट है, लेकिन वो वैल्यू क्या होगी? फंक्शन की जो वैल्यू एक्स फोर पे, एंड दैट इज एफ एक्स फोर। एफ एक्स फोर इस ग्राफ की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो ये वैल्यू है, एंड दिस इज एफ एक्स फोर। एफ एक्स फोर वैल्यू इसकी सबसे बड़ी वैल्यू है इस कंप्लीट इंटरवल ए से बी के बीच में, तो इसे हम कहेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमा। एब्सोल्यूट क्या कहेंगे? एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, करेक्ट? ठीक है, अच्छा। और इस ग्राफ की लोवेस्ट वैल्यू क्या है जहान? इस ग्राफ की लोवेस्ट वैल्यू सर एफएक्स थ्री। नहीं बेटा, एफएक्स थ्री को थोड़ा मैं ऊंचा बना देता हूँ। चलो आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं एफएक्स थ्री को यहाँ से हटा के यहाँ बना देता हूँ, ठीक है? अब बताओ इस ग्राफ की एफ बी दिस वैल्यू इज लोवेस्ट वैल्यू। ये वैल्यू इसकी लोवेस्ट वैल्यू है, एफ बी इसकी लोवेस्ट वैल्यू है। एफ बी क्या है? तो इसे कहेंगे एब्सोल्यूट मिनिमा। एब्सोल्यूट मिनिमा क्या कहेंगे? और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मिनिमा या एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। गॉट इट? ठीक है बच्चों, एब्सोल्यूट मिनिमा या एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, ठीक है। एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा बच्चों ये दोनों हमेशा क्लोज्ड इंटरवल के लिए ही डिफाइन हो सकते हैं, ठीक है? ओपन इंटरवल पे एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा डिफाइन नहीं होते। एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा बताने के लिए आपको इंटरवल क्लोज दिया जाएगा, ठीक है? अच्छा एक बात,
जैसे एफ एक्स फोर, ये एफ एक्स टू, एफ एक्स फोर एंड एफ एक्स सिक्स क्या थे? लोकल मैक्सिमा थे, जिनमें से एक लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या बन गई? एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। एफ एक्स फोर एक लोकल मैक्सिमा था, एक लोकल मैक्सिमम वैल्यू थी, जो कि क्या बन गई? एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। मतलब एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा लोकल मैक्सिमम वैल्यू में से, लोकल मैक्सिमम वैल्यू जो होंगी हमारे पास उन्हीं में से एब्सोल्यूट मैक्सिमा भी हो सकता है, ठीक है। इसी टाइप से जो मिनिमम वैल्यू थी हमारी, लोकल मिनिमम वैल्यू, उनमें से कोई एब्सोल्यूट मिनिमम नहीं बना, एब्सोल्यूट मिनिमम कोई अलग वैल्यू है, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि एब्सोल्यूट मैक्सिमा या मिनिमा लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा में से हो सकते हैं या फिर अलग भी हो सकते हैं। समझ आया ये आपको अनिरुद्ध? हाँ सर, हाँ सर। देवेश? यस सर। जहान? श्योर आ गया। एक बात, जिस पॉइंट पे जैसे x1, x2, x3, x4, x5, इन पॉइंट्स पे आपके लोकल क्या थे? मैक्सिमा या फिर मिनिमा, इन्हें कहा जाता है क्रिटिकल पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स। कैसे पॉइंट्स? क्रिटिकल पॉइंट्स। अब एक बात बताओ, जैसे हमने x1 ऐसे लिया था, ये हमारा x1 था, ग्राफ थोड़ा अच्छा नहीं बना, ये हमारा x1 पॉइंट था और जो लोवेस्ट वैल्यू थी हमारी एफ एक्स वन, वो हमारी क्या थी? एब्सोल्यूट लोकल मिनिमम वैल्यू, है ना? ये हमारी लोकल मिनिमम वैल्यू थी। अब एक बात बताओ, अगर मैं यहां पर एक टेंजेंट ड्रा करूं इस पॉइंट पे, इस ग्राफ के लिए एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, तो वो टेंजेंट क्या होगा? कैसा टेंजेंट होगा ये? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। वेरी गुड, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये टेंजेंट पैरेलल टू क्या है? एक्स एक्सिस है। जो भी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है उसका स्लोप क्या होता है? जीरो, ठीक है। जो भी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है उसका स्लोप क्या होता है? जीरो। इस कर्व को डिफरेंशिएट करने से इस कर्व की इक्वेशन, जैसे y इज इक्वल टू एफ एक्स है इस कर्व की इक्वेशन, इसको डिफरेंशिएट करने से dy बाई dx मिलेगा हमें, और dy बाई dx क्या होता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। dy बाई dx क्या होता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब एक बात बताओ, इस कर्व को डिफरेंशिएट करेंगे तो इस पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा उसका स्लोप आएगा? x1 पॉइंट पे जो टेंजेंट है उसका स्लोप कहां से आएगा? dy by dx से। और क्योंकि स्लोप इसका तो जीरो है तो dy by dx क्या हो जाएगा? जीरो। गॉट इट या नहीं? समझ गए बेटा? देवेश? हाँ जी सर। तो स्लोप आ गया जीरो, स्लोप जीरो आ गया, डिवाइड बाई डी जीरो आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि एब्सोल्यूट मिनिमा पे, एब्सोल्यूट मिनिमा जिस पॉइंट पे होगा वहां डिवाइड बाई डी क्या होगा? जीरो। एब्सोल्यूट मिनिमा जिस पॉइंट पे होगा वहां पर डिवाइड बाई डी क्या होगा? जीरो। करेक्ट? यस सर। इसी टाइप से अगर हम x2 की बात करें, जैसे ये हमारा x2 था, इस पॉइंट पे अगर इस कर्व के लिए टेंजेंट ड्रॉ करें तो टेंजेंट अगेन इस टाइप से होगा। ठीक है, इस पॉइंट पे अगर टेंजेंट टू x एक्सिस तो अगेन dy बाई dx जीरो,
एक्स जीरो, यानी कि जहां पर लोकल मैक्सिमा होगा वहां भी डीवाई बाई डी एक्स क्या होगा, जीरो, राइट। जहां लोकल मैक्सिमा है वहां भी डीवाई बाई डी एक्स क्या होगा, जीरो, करेक्ट। सो एट पॉइंट ऑफ, ये लिख लो बेटा, एट पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, dy by dx is equal to zero. मैंने डबल एरो वाला साइन लगा दिया यहाँ पर, एट पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और मिनिमा dy by dx is zero. इसका मतलब है जहां dy by dx जीरो होगा वहां लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा होगा, ठीक है, और जहां पर लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा होगा वहां dy by dx जीरो होगा, ठीक है। अगर dy by dx जीरो इंप्लाइज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, एट पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा dy by dx इज इक्वल टू जीरो इंप्लाइज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और मिनिमा, और इसका उल्टा एंड एट पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और मिनिमा dy by dx इज इक्वल टू जीरो, मतलब उसका रिवर्स भी ट्रू होगा, dy by dx जीरो है तो लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा होगा, लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा है तो dy by dx जीरो होगा। ये इफ एंड ऑनली इफ का रिजल्ट है, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हो dy by dx इज इक्वल टू जीरो इफ एंड ऑनली इफ If and only if local maxima or minimum, मतलब local maxima minimum है तो dy by dx zero होगा किसी point पे, और अगर dy by dx zero है तो local maxima है local minimum होगा, समझ आया? ठीक है, यस आपको क्लियर है? फाइंड आउट कैसे करते हैं बच्चे? हाँ जी सर, एक्सरसाइज पे आ जाओ, फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन को भी छोड़ दो, थर्ड क्वेश्चन नहीं फर्स्ट हाँ थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करो। देखो आपको एक फंक्शन दिया है fx is equal to x square, तो dy by dx क्या होगा, 2x, dy by dx क्या होगा, 2x, ठीक है, पुट करेंगे dy by dx is equal to zero, dy by dx को अगर जीरो पुट करते हैं तो क्या आएगा, 2x is equal to zero, x is equal to zero। बच्चों ये आपका x1 है, ये x is equal to zero आया, यही आपका x1 है, ठीक है। सबसे पहले फंक्शन था हमारे पास x square, इसको डिफरेंशिएट किया 2x आ गया। अब क्वेश्चन को आप रीड करके देखो, वहां लिखा है फाइंड पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा इफ एनी, ठीक है, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा का पॉइंट फाइंड करना है अगर है तो इफ एनी। तो बच्चों ये तो हम जानते ही हैं कि जहां पर लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा होता है वहां dy by dx जीरो होता है, इसलिए हमने ये पता लगा लिया कि dy by dx क्वेश्चन है तो हमने dy by dx को जीरो पुट कर दिया जिससे हमें पता लग गया कि dy by dx कहां पर जीरो है,
एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, जीरो के ऊपर डीवाई बाई डी एक्स जीरो है, ओरिजिन के ऊपर मतलब जहां पर एक्स जीरो है, एक्स जीरो है वहां पर डीवाई बाई डी एक्स क्या है जीरो, जहां डीवाई बाई डी एक्स जीरो होता है वहां या तो लोकल मिनिमा होता है या फिर लोकल मैक्सिमा होता है, मतलब कोई जरूरी नहीं ऐसे हो, ऐसे भी हो सकता है, जहां डीवाई बाई डी एक्स जीरो है वहां या तो लोकल मैक्सिमा होता है या लोकल मिनिमा होता है, गॉट इट? यस, हमें ये पता लग गया कि x इज इक्वल टू जीरो पे डीवाई बाई डी एक्स जीरो है, सो एट x इज इक्वल टू जीरो या तो लोकल मैक्सिमा होगा या लोकल मिनिमा होगा, ये जीरो आ गया, क्रिटिकल पॉइंट है हमारा, नंबर लाइन पे मार्क कर लो इसको, नंबर लाइन पे मार्क कर लिया, इसके राइट मोस्ट पे, लेफ्ट मोस्ट पे डीवाई बाई डी एक्स का नेचर कैसा होगा बताओ, लेफ्ट मोस्ट पे डीवाई बाई डी एक्स का नेचर बताओ कैसा होगा, डीवाई बाई डी एक्स का नेचर अगर जीरो एब्सोल्यूट मैक्सिमा है तो उसका लेफ्ट साइड में कम हो रहा होगा वैल्यू, अभी तो हमें पता ही नहीं बेटा कि मैक्सिमा है या मिनिमा, हम वही फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जीरो पे क्या है, मैक्सिमा या मिनिमा, तो आपको क्या देखना है कि आप इस जैसे जीरो आ गया क्रिटिकल पॉइंट जितने भी आए उनको नंबर लाइन पे मार्क कर लेना है, अब यहाँ तो एक ही क्रिटिकल पॉइंट आया था जीरो, तो हमने नंबर लाइन पे क्रिटिकल पॉइंट को मार्क कर लिया, ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट को नंबर लाइन पे मार्क कर लिया, इसके लेफ्ट में डीवाई बाई डी एक्स का साइन देखो कैसा है बताओ जरा, डीवाई बाई डी एक्स का साइन, बताओ नेगेटिव होगा, कोई भी एक पॉइंट ले लो इस इंटरवल का, जैसे कि माइनस वन ले लिया, डीवाई बाई डी एक्स में डालो माइनस टू आएगा, नेगेटिव हो गया, आप जीरो से इन्फिनिटी के बीच का कोई भी पॉइंट लेके उसको डीवाई बाई डी एक्स में डालो, जैसे कि वन लिया तो पॉजिटिव आएगा, सब पॉजिटिव होगा, तो मतलब जैसे ही जीरो को क्रॉस करते हैं, जीरो को क्रॉस करते हैं तो साइन देखो कैस में बदल जाता है, पॉजिटिव से नेगेटिव में बदल जाता है, नेगेटिव से पॉजिटिव में बदल जाता है, जीरो से पहले साइन कैसा चल रहा था नेगेटिव, जैसे ही हमने जीरो को क्रॉस किया डीवाई बाई डी एक्स का साइन नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, हो गया ना, जब डीवाई बाई डी एक्स का साइन नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है तो वहां होता है उस पॉइंट पे क्या होता है लोकल मिनिमा, उस पॉइंट पे क्या होता है लोकल मिनिमा, व्हेन साइन ऑफ डीवाई बाई डी एक्स चेंजेस फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, इफ एट एनी पॉइंट साइन ऑफ डीवाई बाई डी एक्स चेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव देन इट इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, ठीक है, तो क्या लिखोगे, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो डीवाई बाई डी एक्स changes sign from positive negative to positive, so x is equal to 0 is point of local minima, x is equal to 0 is point of local minima, dy by dx 0 के ऊपर dy by dx का साइन नेगेटिव टू पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, सो x इज इक्वल टू 0 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, x इज इक्वल टू 0 क्या है लोकल मिनिमा का पॉइंट है, ठीक है, अच्छा बच्चों जैसे हमारा, मैं आपको इसी का ग्राफ बना के दिखाऊं, तो इसका ग्राफ, इस फंक्शन का ग्राफ ऐसा बनेगा, जैसे आपको ऑब्जेक्ट ग्राफ की कोई जरूरत नहीं होती है पर इस फंक्शन का ग्राफ ऐसा बनेगा, ठीक है, इस फंक्शन का ग्राफ ऐसा बनेगा और आप देख सकते हो जीरो के ऊपर मिनिमम वैल्यू है इसकी, जीरो पे ही है ना मिनिमम वैल्यू, यही मिनिमम वैल्यू है ना इसकी, और ये पॉइंट इसका ओरिजिन पे है, तो इस फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू है वो कहाँ पर है, जीरो पे, और वो मिनिमम वैल्यू होगी क्या,
वो इस फंक्शन की y इज इक्वल टू जो एक्स स्क्वायर फंक्शन है इसकी जो मिनिमम वैल्यू है कहाँ पर, जीरो पे, एट x इज इक्वल टू जीरो मिनिमम वैल्यू वैल्यू क्या आएगी, एफ जीरो, एफ जीरो यानी कि जीरो का स्क्वायर जीरो आएगी। ये मैंने कहाँ डाला है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर में, कहाँ पर डाला है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर में डाला। तो वहां से इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू आई वो जीरो आई है, ठीक है। सो इसकी मिनिमम जो लोकल मिनिमम वैल्यू है, लोकल मिनिमम वैल्यू इस फंक्शन की वो एफ जीरो है, दैट इज जीरो। ये समझ आया आपको जहान? हाँ सर आ गया। निवेश, अनिरुद्ध, एफ डैश जीरो नहीं लेना चाहिए बेटा, f डैश जीरो है dy by dx का नेचर फाइंड करने के लिए, फंक्शन की मिनिमम वैल्यू। जैसे मान लो ये ग्राफ है, ये ग्राफ किसका है, y is equal to x square plus 1 का ग्राफ है, जीरो के ऊपर इसकी मिनिमम वैल्यू होगी, ये वाली वैल्यू जो a पॉइंट पे इसकी वैल्यू है वो इसकी मिनिमम वैल्यू होगी। अगर आपको वो फाइंड करनी है तो आपको क्या करना होगा, इस एफ एक्स में ये पॉइंट डालना होगा जीरो, जीरो डाला तो ये होगा जीरो प्लस वन, यानी कि वन इसकी मिनिमम वैल्यू है। अनिरुद्ध, yes. हम ये फंक्शन की मिनिमम वैल्यू देख रहे हैं तो फंक्शन के अंदर आपको जीरो डालना पड़ेगा, ठीक है। देखो बच्चों, dy by dx का साइन जब पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज होता है तो वहां लोकल, जब नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज होता है तो लोकल मिनिमा क्यों होता है, मैं बताता हूँ आपको। देखो इस कर्व के किसी भी पॉइंट पे, जैसे मान लो ये कर्व है, यहाँ पर क्या है बताओगे, x1 पे क्या है, एट x1 इस फंक्शन का क्या है, लोकल मिनिमा है, एट x इज इक्वल टू x1, x1 पॉइंट पे इस फंक्शन की लोकल मिनिमम वैल्यू है। अच्छा एक बात बताओ, इस फंक्शन का इस पॉइंट से पहले टेंजेंट, जस्ट पहले टेंजेंट ड्रॉ करो, टेंजेंट ऐसे आएगा, है ना, एक्स वन से जस्ट पहले फंक्शन ग्राफ के लिए हमने टेंजेंट ड्रॉ किया तो टेंजेंट ऐसे आएगा। जो इस, अब ये टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ क्या बना रहा है, ऑब्ट्यूस एंगल बना रहा है, जैसे कि 120। इस टेंजेंट का अगर आप स्लोप निकालोगे तो वो होता है टेंजेंट 120, टेंजेंट 120 नेगेटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, टेंजेंट सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, ठीक है बच्चों। ये इस ग्राफ को अगर आप पीछे, हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में पढ़ के आए हैं, इस ग्राफ को अगर आप देखोगे तो ये डिक्रीजिंग ग्राफ है और डिक्रीजिंग ग्राफ का टेंजेंट हमेशा नेगेटिव होता है, डिक्रीजिंग ग्राफ का टेंजेंट हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। एक्स वन के बाद ग्राफ ने इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया, एक्स वन के बाद ग्राफ ने क्या करना शुरू कर दिया, इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया। एक्स वन के बाद इस ग्राफ के लिए आप इसका टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो टेंजेंट इस टाइप से होगा, राइट, टेंजेंट इस टाइप से होगा। ये टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल बना रहा है, जैसे कि 30 डिग्री, टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल बना रहा है, टेंजेंट 30, टेंजेंट 30 क्या होता है, 1/√3 पॉजिटिव होता है। और इसके बाद ग्राफ ने इंक्रीज करना स्टार्ट किया है, इंक्रीजिंग ग्राफ का टेंजेंट पॉजिटिव, इंक्रीजिंग ग्राफ के टेंजेंट का स्लोप पॉजिटिव होता है, इंक्रीजिंग ग्राफ के टेंजेंट का स्लोप पॉजिटिव होता है, और देखो पॉजिटिव आया हुआ है, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपने x1 से पहले टेंजेंट ड्रॉ किया तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आपको मिलेगा नेगेटिव, x1 से जस्ट पहले आपने टेंजेंट ड्रॉ किया तो स्लोप आपको मिलेगा नेगेटिव, और x1 के जस्ट बाद आपने टेंजेंट ड्रॉ किया तो स्लोप आपको मिलेगा पॉजिटिव। यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट अपना नेचर बदल रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, कहां पर, x1 पे। स्लोप ऑफ टेंजेंट x1 पॉइंट से पहले नेगेटिव था, x1 के बाद पॉजिटिव हो गया, करेक्ट। स्लोप ऑफ टेंजेंट x1 से पहले पॉजिटिव था और x1 के बाद नेगेटिव हो गया। तो और वैसे प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करते हैं हम इसको, ग्राफिकली ऑब्जर्व करते हैं तो देखो इस पॉइंट पे मिनिमा है। तो हमने ये कंक्लूजन निकाला
कि dy by dx का साइन अगर नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है तो उस पॉइंट पे लोकल मिनिमा होता है, समझ आया आपको? अगर dy by dx का साइन नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है तो उस पॉइंट पे क्या होता है? लोकल मिनिमा, करेक्ट? ये किस किस को समझ आया? नहीं आया सर, रिपीट कर दो। कहाँ से रिपीट करूं सर? ये जो ग्राफ पे आप बता रहे थे ग्रेटर देन जीरो लेस वाला, वो पॉजिटिव नेगेटिव वो वाला बता दो एक बार। कोई भी इंक्रीजिंग ग्राफ होता है, कोई भी डिक्रीजिंग ग्राफ होता है, उसका आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, उसका आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो उसका टेंजेंट का जो स्लोप होता है वो नेगेटिव होता है। डिक्रीजिंग ग्राफ, कोई भी डिक्रीजिंग ग्राफ आप ले लीजिए, उसके लिए अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हमेशा नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा। और कोई भी इंक्रीजिंग ग्राफ ले लीजिए आप, उसके किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर लीजिए आप, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब yes, अगर हम ग्राफ को देखें, इस ग्राफ को देखें तो इस पॉइंट से पहले x1 से जस्ट पहले कहीं भी देखें